नमस्कार, आप देख रहे हैं जय वन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर गच्छीपुरा से है, जहां क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। इस दौरान रेल से यात्रा करने वाले लोगों को पानी को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खासकर छोटे स्टेशनों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन पर अलग अलग लोगों के सहयोग से युवा साथियों की टीम पिछले 25 दिनों से सुबह से लेकर शाम तक स्थानीय रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली सभी गाड़ियों में रेल यात्रियों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी के ठहराव के पूर्व ही युवक दो दो किलो पॉलिथीन की थैलियां ठंडे पानी से भरकर तैयार कर लेते हैं, जिससे पानी को भरने में समय नहीं लगा और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को पानी पिला सके। साथ ही पानी के केन लेकर हर डिब्बे के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे गाड़ी स्टेशन पर ठहराव करती है, यात्रियों को फटाफट ठंडा पानी उपलब्ध करवा कर सेवा कार्य कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य में भंवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में किशन नरुका, मनोज राठौड़, ललित नरुका, राजा राम सोनी, दामोदर गोड, संतोष नरुका, नंदू सिंह राठौड़, मनोर नरुका, जितेंद्र लेगा, कार्तिक गोड, रविंद्र राठौड, नीरज सारडा, राजू नरुका, गणपत गोड, हेमंत व्यास, सुखदेव बिश्नोई, विकास बिश्नोई उर्फ मंत्री, महिपाल सिंह, भंवर लाल लेगा, राघव गोड, भुवनेश्वर जाजू, राहुल सैनी, पिंटू सिंह, लक्की किशु नरुका, देशराज सिंह राठौड़ सहित अन्य लोग सेवा कर रहे हैं। गच्छीपुरा से सुभाष गोड़, विशेष रिपोर्ट।